हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिस बच्चे ने इग्नू के अंदर जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो उसे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरी देखिएगा, चाहे आपके प्रोग्राम का मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके ना दिखाऊं तो भी आप लोग उस वीडियो को देखें, उस पार्ट को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने प्रोग्राम का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या उस पर लिखा होना चाहिए। अब इग्नू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हर एक प्रोग्राम का डाउनलोड करके मैं ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता हूं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें आप। तो सबसे पहले ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप सिंपली इग्नू असाइनमेंट सर्च करोगे गूगल पर तो ये लिंक आपके सामने आ जाएगा। अब नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, प्रोग्राम के लेवल के अकॉर्डिंग लिंक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उसका आपको पेपर डाउनलोड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फॉर एग्जांपल मैं एमए पॉलिटिकल साइंस पर आता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे असाइनमेंट मिलेंगे। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जुलाई 2024 सेशन की। तो आपके क्वेश्चन पेपर पे ये लिखा होना चाहिए कि ये जुलाई 2024 सेशन का है। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा ऊपर, यहाँ पे देखिए ये सेशन क्या है, 23-24 का, लेकिन हम 24-25 सेशन में हैं। ठीक है, जुलाई 2024 का मतलब ये है कि हम 24-25 सेशन में, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे मैं एक पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ इनका, जैसे फर्स्ट ईयर का इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें लिखा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई 2024 वाले बच्चों के लिए भी है और जो अपकमिंग जनवरी 25 सेशन में एडमिशन लेगा उनके लिए भी है। और मैं नीचे रहूँगा तो आपके पेपर में सबमिशन डेट भी लिखी रहती है, जिस बच्चे ने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है उसको 31 मार्च 2025 तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो ये जुलाई 2024 सेशन के इस वाले सेक्शन के असाइनमेंट बनाने हैं। अब वो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमए इंग्लिश का हूँ तो एमईजी पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जुलाई 24 जनवरी 25 के ये वाले असाइनमेंट हैं। तो आप कोई भी प्रोग्राम कोड कोर्स कोड का डाउनलोड करोगे तो इसमें साफ साफ लिखा रहेगा, और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ऑब्वियसली सबमिशन डेट इसमें लिखी होगी। आप एक बार इसको थोरली रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सबमिशन डेट इसमें लिखी हुई है। इसी तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते समय सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें जुलाई 2024 लिखा होना चाहिए। जैसे ये एम ए इन इकोनॉमिक्स है तो ये जनवरी 24 वाले हैं, नीचे वाले ऊपर वाले जुलाई 24 वाले हैं। जुलाई 24 के फर्स्ट सेमेस्टर की मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा रहेगा कि ये जुलाई 24 के लिए है और जो जनवरी 25 में रहेगा उसके लिए है। सेकेंड सेमेस्टर का मैं डाउनलोड करता हूँ, ये सेमेस्टर वाइज ज़रूर है लेकिन याद रखिएगा एम ए इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम एनुअल बेस में ही होते हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर उनके लिए है जिसने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरे आएंगे। जैसे यहाँ पर नीचे एक और अवेलेबल है, इसको भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ मैं, ये हिंदी मीडियम का है सॉरी। तो अभी जुलाई 2024 में नए एडमिशन एम ए इकोनॉमिक्स में जिसने लिया है, एज ऑफ टूडेज डेट सेमेस्टर वन का तो असाइनमेंट है यहाँ पे, लेकिन सेमेस्टर थ्री का अभी फ़िलहाल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों मास्टर डिग्री में एम कॉम में मैं आता हूँ, एम कॉम में तो ऊपर वाले ही आपको असाइनमेंट बनाने हैं और एम कॉम तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, एम कॉम की डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं और नीचे आता हूँ तो ये एम एस सी के हो गए, एम एस सी सी आई एस प्रोग्राम हो गया, साफ साफ लिखा हुआ है जुलाई 24 के, अलग से लिंक दिया हुआ है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ठीक है, और नीचे आता हूँ तो एम ए वी एस का हो गया, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट वैदिक स्टडीज़ हो गया, एम ए ई आर हो गया, ऊपर देखेंगे एम ए हिस्ट्री का एम ए एच आई प्रोग्राम हो गया जो कि रिवाइज्ड हुआ हुआ है। साफ साफ जुलाई सेशन के लिंक्स दिए हुए हैं, ये आपको डाउनलोड करके बनाने हैं, ये मास्टर डिग्री के हो गए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपकी जानकारी आपको इसमें मिल रही है। अब जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ, अब बैचलर डिग्री प्रोग्राम में खासकर बीए, बीकॉम और बीएससी, इसमें हो सकता है आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ जाए, एक पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीएएम में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएएम, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आपको असाइनमेंट मिलेंगे, ये आपके असाइनमेंट है कि जनवरी 2024 सेशन इसमें लिखा हुआ है। मैं डाउनलोड करके देखता हूँ कि ये जुलाई 24 के लिए वैलिड है या नहीं। आप डाउनलोड करके देखोगे तो इसमें जनवरी 24 ही लिखा है तो ये जुलाई 24 के लिए वैलिड फ़िलहाल नहीं है, जुलाई 24 के नए असाइनमेंट आएंगे, ये आपको नहीं बनाने, याद रखिएगा ये आपको नहीं बनाने। वीडियो पूरा आपने देखा होगा तो बिल्कुल भी आप कंप्लेन नहीं करोगे सर आपने गलत बता दिया। उसके बाद ये देखिए बीकॉम का मैं देखता हूँ,
बीकॉम में भी शायद नहीं आया होगा, ये सेमेस्टर वन के असाइनमेंट हैं, ये पुराने असाइनमेंट होंगे जनवरी सेशन के। हाँ ये जनवरी सेशन के हैं, ये आपको नहीं बनाने। अच्छा कुछ कुछ असाइनमेंट में इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये वैलिड है। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्च यानी कि जुलाई सेशन वाले एनुअल मोड के स्टूडेंट जो मार्च में असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके लिए क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2024 में इसकी वैधता खत्म हो गई। तो ये भी तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को देखने का कि क्या ये आपके लिए वैलिड है या नहीं। ये सेकंड सेमेस्टर के हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ज़रूर से वैलिड है, सेकंड सेमेस्टर का ज़रूर से वैलिड है, ये आप बना सकते हो, लेकिन अभी सेमेस्टर वन का यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे BSCM का है, BSCM में भी हम देख लेते हैं कुछ आए हैं या नहीं। जैसे केमिस्ट्री का मैं एक डाउनलोड करके देख लेता हूँ ये किस सेशन का है। ये जो असाइनमेंट है ये अगेन ये आपके लिए जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये 2024 में इसकी वैधता ख़त्म हो रही है। तो अभी आएंगे असाइनमेंट, अभी अपडेट होंगे यहाँ धीरे धीरे करके, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें और इस लिंक को चेक करते रहें। वही मैं और दूसरे प्रोग्राम की बात करूँ, जैसे BCA आ गया, BCA न्यू सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, इसके असाइनमेंट अवेलेबल हैं, डाउनलोड करके आप बना सकते हो। ठीक है, BSC जनरल तो खैर हमारा नहीं है। यहाँ पे एक और है CBCS BAG जुलाई 24 जनवरी 25, इसके आप लोग देख सकते हो, ये BAG वाले प्रोग्राम के हैं, BA जनरल वाले। अब जैसे इसमें हम आए हैं, इसमें आने के बाद देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हिस्ट्री का असाइनमेंट मैं डाउनलोड करता हूँ, कोड देख लीजिएगा आप, अपना कोड ज़रूर से मैच कीजिएगा। अब देखिए ये जो असाइनमेंट है ये BA जनरल वालों के लिए भी है और BAM वालों के लिए भी है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं। और ये भी लिखा हुआ है कि ये जुलाई 24 वालों के लिए भी है और अपकमिंग जनवरी 25 में जो एडमिशन लेगा उनके लिए भी है। और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये असाइनमेंट की लास्ट डेट भी इसमें लिखी रहती है, जो यहाँ पर साफ साफ लिखी है 31 मार्च, आप देख सकते हो ऊपर। और ये क्वेश्चन पेपर आप लोग बना सकते हो हिस्ट्री का, ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। और नीचे आता हूँ, BHIE 141 है, ये किसके लिए है जी, ये BA जनरल के लिए और BA ऑनर्स हिस्ट्री में अगर आपने इनरोल करा है तो उसके लिए है, समझ गए। ये इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। हिस्ट्री का एक और है जी यहाँ पे, हिस्ट्री का एक और है यहाँ पे, और देख लेते हैं हम ये किसके लिए है, ये अगेन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA मेजर हिस्ट्री के लिए है, BA मेजर हिस्ट्री के लिए ये असाइनमेंट है, और BA ऑनर्स BA मेजर हिस्ट्री के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से BA मेजर में इंग्लिश है, तो होपफुली ये वाला असाइनमेंट आपका होगा, डाउनलोड करके देख लीजिए, लिखा रहेगा उसमें सब कुछ, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का है फिलहाल, ये मेजर का नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना है आपको अपना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लीजिएगा BSW का यहाँ पर असाइनमेंट है, जुलाई सेशन का ऊपर ही अवेलेबल है। ठीक, BTS और BATS डिवाइस जो होता प्रोग्राम, BATS का यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ये बैचलर डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री हो गया। इसी तरीके से डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसे DECE है, डाउनलोड कीजिए, जनवरी जुलाई 2024 का ये वाला है। ठीक है, कुछ कुछ इस एक्सेप्शनल केसेस में जनवरी और जुलाई का सेम होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप डाउनलोड करके बना सकते हो। और कोई भी आपका डिप्लोमा प्रोग्राम हो, जनरली डिप्लोमा प्रोग्राम का उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता पता करना, आप BNS 131 आ गया, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तो उसके असाइनमेंट आएगा 2024 के, ये आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो यही कहानी है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो 6 महीने की वैधता होती है, तो ये तो सेमेस्टर वाइज मतलब ये 6 महीने में ही इसको सबमिट करना है आपको होता है। तो ये तरीका है दोस्तों असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का जुलाई 2024 सेशन का। मैंने कुछ प्रोग्राम वाइज वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियोस को ज़रूर से देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करें कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्स की वीडियो चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।